फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल प्रतिभा शर्मा के चैनल में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों अच्छे रहना भी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आज है संकट चौथ, तो आप सभी को संकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। संकट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, कुछ भी आप कह सकते हैं दोस्तों। आज मतलब बहुत प्रकार की, आज गणेश चतुर्थी, बहुत नाम है आज के, मतलब बहुत नामों से जाना जाता है आज संकट चौथ। तो मैं भी की हूँ संकट चौथ दोस्तों, तो वही मैं भी पूजा की चलिए तैयारी करती हूँ। देख सकते हैं हमारे हाथों में लाल कपड़ा है दोस्तों, तो मैं अभी पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। तो जैसे कि आज मैं बता दे रही हूँ, आप लोग से थोड़ा बहुत शेयर कर दे रही हूँ कि आज किस मतलब संकट चौथ किस लिए किया जाता है, एक औरत किस लिए संकट चौथ करती है। तो दोस्तों संकट चौथ अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए किया जाता है, या आप दीर्घायु मानिए या खुशहाल जिंदगी के लिए, कुछ भी मतलब बच्चों की मनोकामनाएं के लिए किया जाता है संकट चौथ। बच्चों की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो, मतलब हर मुकाम पाए हमारे बच्चों, इस के लिए एक माताएं संकट चौथ करती है अपने बच्चों के खुशियां के लिए, कि हमारे बच्चों को हर खुशी मिले। दुनिया की जो भी खुशी, हर खुशी मतलब जो हमारे बच्चों चाहे उन्हें हर खुशी प्राप्त हो, इसलिए संकट चौथ मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। मैं आप कैसे कैसे मैं पूजा कर रही हूँ संकट चौथ की, हर भी चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। हमारा मानना है दोस्तों कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज हाई फाई ज्यादा सामान ज्यादा फल हर से आप पूजा कीजिए तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। मन सच्चा से पूजा कीजिए, थोड़ा बहुत भी सामान है तो भी आपको भगवान, बस मन सच्चा हो तो आपके भगवान जरूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे दोस्तों। जो भी आप सच्चे दिल से मनोकामना मांगे आपके हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, बस सच्चे दिल से कीजिए। ऐसा नहीं है कि ढेरे सारे सामान लेके कीजिए तभी भगवान जी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। तो चलिए बने रहिए इसी तरह हमारे वीडियो पे दोस्तों, और मैं चलिए दिखाती हूँ कि कैसे कैसे मैं अपनी पूजा के संकट चौथ की पूजा की तैयारी करती हूँ। और आज की पूजा गणेश भगवान की पूजा होती है, तो चलिए मैं अपने गणेश भगवान की स्थापना करती हूँ और पूजा की तैयारी करती हूँ दोस्तों, बने रहिए। और शाम की पूजा की जाती है दोस्तों, और चंद्र भगवान की अर्घ दिया जाता है, शाम के पूजा ही होती है, और रात में अर्घ दीजिए, जब चंद्र भगवान निकल जाए तो अर्घ दीजिए। तो चलिए बने रहिए दोस्तों इसी तरह हमारे वीडियो पर मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ गणेश भगवान जी को मैं स्थापित की हूँ, लाल कपड़ा बिछा के, आप जो भी कलर येलो कलर भी बिछा सकते हैं। यहाँ पे मैं चौकी पे रेड कलर बिछाई हूँ, और साथ में शंकर जी, पार्वती, गणेश जी का पूरा फैमिली का भी फोटो मेरे पास था, मूर्ति यानी कि, तो मैं उनको भी स्थापना करती हूँ। अब यहाँ देखिए कुछ फ्रूट्स ली हूँ दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ तिल होती है, तिलवा लाई दोस्तों, तिल की लाई। और देखिए मतलब मेरे पास जो फ्रूट्स था मैं वही ली हूँ, यहाँ शकरकंद अमरूद वगैरह भी रहता है, लेकिन हमें नहीं मिल पाया दोस्तों, इस कारण मैं इतना ही ली हूँ। जैसे मैं अभी बोली कि कोई जरूरी नहीं है, जितना है उतना भी मैं सच्चे दिल से पूजा कीजिए, भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। तो यही हमारे पास कुछ फ्रूट है दोस्तों, तो मैं इतना ही ली हूँ। और इधर तिल और गुड़ को कूट के रखी हूँ, पहाड़ बनता है यहाँ पे दोस्तों, तो पहाड़ बनाने के लिए, और वाइट चंदन इसमें लगता है, देख सकते हैं मैं वाइट चंदन ली हूँ। वाइट चंदन है आपके पास तो वाइट चंदन से ही मतलब कीजिए, और ब्लैक तिल जरूर रखें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं फास्ट मूड में कर दी हूँ, यहाँ पे मैं कलश का स्थापना कर रही हूँ, और नीचे कलश के नीचे आप कुछ भी बना लीजिए, त्रिकोण, चरभुज, तो मैं यहाँ पे चरभुज बनाई हूँ, और ऊपर तिल रखी हूँ। और कलश में मैं सारा चीज़ मतलब एक पैसा, सुपारी, दुबरा फूल, मतलब दुबरा जरूर डालिए यानी कि दूब, सारा चीज़ मैं डाल के ऊपर से एक जोत दिया जला दी हूँ दोस्तों। और दिया में मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि हमारी दिया में तिल का तेल है, अगर आपके पास तिल का तेल ना हो तो आप घी से भी जला सकते हैं, लेकिन ऐसे इसमें शुभ माना जाता है, तिल का ही सारा पूजा होता है, तो तिल का तेल ही जलाइए। मेरे पास था तो मैं तिल का ही तेल जलाई हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं शुद्धिकरण करके गंगा जल से,
और सभी भगवान जी का पूजा स्टार्ट कर दी हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गणेश जी का व्हाइट चंदन से तिलक लगा रही हूँ शुद्धिकरण करके, और अपना भी मैं शुद्धिकरण हो गई हूँ दोस्तों। कभी भी कोई भी पूजा स्टार्ट करने से पहले शुद्धि होइए, उसके बाद आचमनी लीजिए। बिना आचमनी का पूजा शुद्ध नहीं होता है, तो मैं अपनी शुद्धिकरण करके आचमनी लेके तभी पूजा स्टार्ट की हूँ। और जनेऊ आप जरूर चघाइए दोस्तों। और देखिए इस तरह से दुर्बा को मतलब बांध के मैं 21 दुर्बा यहाँ पे बांधी हूँ, आप 11 को भी बांध सकते हैं, लेकिन मैं 21 चघाती हूँ, तो मैं 21 बांधी हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मैं जो तिल और गुड़ को कूटी थी उसको मैं बगल में रख दी हूँ। मैं पहाड़ नहीं बनाती हूँ, मैं इसी तरह से रख देती हूँ। और एक जोत ऊपर भी जला दी हूँ। और पान गणेश जी को बहुत पसंद है, कसेली पान पैसा और लवंग इलायची आप जरूर गणेश जी को अर्पित कीजिए दोस्तों। और सबसे पहले नीचे गौर गणेश भी बांध लीजिए। गौर गणेश का कोई पूजा में स्टार्टिंग गौर गणेश से होता है, तो पहले मैं गौर गणेश का पूजा की, उसके बाद कलश जी का, तब मैं फिर ऊपर गणेश जी का पूजा की दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ी क्या बात है, तिल चटकाना। देखिए मैं यहाँ पे तिल चटका रही हूँ। तिल चटकाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हवन हम करते हैं उसी तरह से यहाँ पे तिल चटकाया जाता है। जितना पटपट का आवाज़ होगा उतना कहा जाता है कि बच्चों का दीर्घायु बढ़ता है। आप तिल जरूर चटकाइए, ब्लैक कलर का तिल दोस्तों। और यहाँ पे हमारी पूजा समाप्त भी हो गई है, और यहाँ पे आरती भी मैं कर ली हूँ दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ आरती दिखा के उधर भी भगवान जी को दिखा दी। मैं पूरा शॉर्टकट दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं चंद्र भगवान जी का जो अर्घ दिया जाता है वो लोटा में तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लोटा में एक मतलब का बांध दी हूँ उसमें कलवा दोस्तों, यानी कि रक्षा सूत्र मैं बांध दी हूँ। और इसमें फूल रोड़ी हल्दी सारा चीज़ जो भी मतलब आप सिंदूर छोड़ के डाल दीजिए, फूल डालिए, वाइट फूल हो तो सबसे बेहतर है, लेकिन मेरे पास वाइट फूल नहीं था। और तिल वाइट ब्लैक दोनों मैं डाली हूँ, और दूध डाली हूँ दोस्तों। दूध जरूर डालिए, अगर दूध है आपके पास शुद्ध गाय का दूध लीजिए, और नहीं है गाय का दूध तो फिर आप स्किप कर दीजिए। गंगा जल डाल के भी आप अर्घ दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, जो है उसी से खुश रहिए। और एक मैं यहाँ पर दिया जलाई हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं लोटा करके इधर रख दी हूँ ताकि सूर्य चंद्र भगवान का जब टाइम होगा तब मैं जाऊंगी छत पर अर्घ देने। और यहाँ देखिए व्हाइट चंदन आप जरूर डालिए दोस्तों, अगर दूध ना है आपको तो व्हाइट चंदन से भी आप अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि चंद्र भगवान जी को व्हाइट चंदन व्हाइट चीज़ बहुत पसंद है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारी पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है, फिर मैं मिलती हूँ दिखाती हूँ। मेरा पूजा समाप्त हो चुका है, अब मैं चंद्र भगवान के वेट करूंगी। चंद्र भगवान निकलेंगे तब फिर मैं जल दूंगी, दिया जलाऊंगी, फूल वगैरह अक्षत वगैरह जो भी आपको चढ़ाना है, प्रसाद भी अगर चंदा भामा को चढ़ाना है तो चढ़ा दीजिए आप, जो भी आपका इच्छा। तो यही लास्ट हमारा है कि सूर्य चंद्र भगवान जी, यही हमारा लास्ट बचा है दोस्तों कि हमारे चंद्र भगवान जी निकलेंगे तो जल उनको अर्पित करूंगी मैं, दिया वगैरह जलाऊंगी और पूजा मेरा समाप्त हो गया। अगर पूजा वीडियो हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारा वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो डालू तो आपके पास सबसे फर्स्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। और बताइएगा कि मेरा पूजा विधि कैसा लगा आप सभी को। और बात और है कि जल आप दे रहे हैं चंदा मामा को तो कभी भी आप मतलब नीचे कुछ बर्तन रख के तब जल दीजिएगा, ताकि आपका पैर पर छिट्टा ना पड़े, बहुत अच्छा से जल दीजिएगा आप। किनारे साइड में उस जल को आप फूल वगैरह में डाल दीजिएगा, ताकि फिर उसको लांघन भी न पड़े, बच्चे लोग मतलब उस पर पैर भी न रखे दोस्तों। इतना बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जल देने वक्त आप लोग नीचे बर्तन रख के तभी जल दीजिएगा चंदा मामा को। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि रात में छत पर जाऊंगी जल देने तो वहां रात का सीन मैं ही दिखा पाऊंगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, मैं मिलती हूँ अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिये दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से आप लोग को संकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों, ढेरों बधाइयां मिले आप सभी को।